अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां आर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के F6 फिलिंग सेक्शन में हुई अग्नि हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल नंदकिशोर सोनी को एयर एम्बुलेंस में मुंबई भेजा जा रहा है। मुंबई की नेशनल बर्न यूनिट में उनका इलाज कराया जाएगा। नंदकिशोर के अलावा शेष सभी का उपचार निजी अस्पतालों में जारी है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ओएफ के प्रबंधन से जुड़े लोगों ने बताया कि नंदकिशोर का शुक्रवार की दोपहर 2 बजे एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाया जाएगा। उनके लिए निर्माणी प्रबंधन ने दिल्ली से एयर एम्बुलेंस बुलवाई है। फैक्ट्री के महाप्रबंधक अशोक कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आहत कर्मचारियों के इलाज के लिए जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। मामले की जाँच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का भी गठन किया जा चुका है। गौरतलब है कि गुरुवार की दोपहर ओएफ के F6 सेक्शन में बारूद का मिश्रण बनाते समय हादसा हो गया था। इस हादसे के चलते अचानक बारूद में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद नंदकिशोर सोनी, श्याम देव राजभर, करण आर्या, अंकित तिवारी, विजय कुमार और कालू राम मीणा आग में झुलस गए थे। एक एम्बुलेंस फिलिंग फायर स्टेशन में हमेशा खड़ी रहने का प्रावधान है, किंतु श्रमिक नेताओं का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों की हट धर्मिता के कारण वहां एम्बुलेंस नहीं रहती। इसी के चलते गुरुवार को भी दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस आने में देरी हुई एवं दूसरी निर्माणियों से एम्बुलेंस मंगाना पड़ा। निर्माणी में सुरक्षा नियमों की सरेआम अवहेलना की जा रही है। नकली प्लांट व मशीनरी खरीदी गई है एवं पुराने मशीनों व प्लांटों में काम होता है। INDWF उपाध्यक्ष अरुण दुबे के कहना है कि यहां अधिकारी अनुभवी व योग्य की जगह सेटिंग के आधार पर पदस्थ किए जाते हैं। फायर अफिसर ऐसे नॉन टेक्निकल JW को बनाया गया है जिसे फायर के बारे में कुछ पता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन के बारे में नहीं जानते। नॉन फिलिंग के नए कर्मचारियों को फिलिंग सेक्शन में पदस्थ किया जाता है और उनसे जबरन काम कराया जाता है। उन्हें रिस्क अलाउंस भी नहीं दिया जाता। ऐसी तमाम अनियमितताओं की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहे।